भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में FIR हुई है। FIR का कारण लोकेंद्र पराशर का बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पराशर ने इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। इसे लेकर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में FIR दर्ज हुई है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भाजपा की ट्रोल आर्मी द्वारा इस तरह के षड्यंत्र हमेशा किए जाते हैं। उनकी ट्रोल आर्मी द्वारा लगातार राहुल गांधी की वीडियो को एडिट करके इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इससे मध्य प्रदेश और देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया है। इस तरीके के एडिटेड वीडियो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है और यात्रा को बदनाम करने के लिए इस तरीके की साजिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रचती रही है। उनकी भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है वो हमेशा से एडिटेड वीडियो बनाकर राहुल गांधी जी के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। हमेशा राहुल गांधी जी के वीडियो को एडिटेड करते हैं और उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये देश और मध्य प्रदेश की सांप्रदायिक एकता को खराब करने का कार्य करते हैं, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई हुई है। इनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। देखिए, जो एडिटेड वीडियो बनाकर जनता के बीच में ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम कर रहा है वही दोषी। बिल्कुल, इसकी शिकायत की गई है और उस पर FIR भी दर्ज हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।